अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टूर। आज मैं बनाने जा रही हूँ नरगिजी कोफ्ते। वीडियो पूरा देखना और ये कोफ्ते ज़रूर ट्राई करना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है खीमा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और हल्दी। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि खीमे में मसाला अच्छे से लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट यानी हरी मिर्ची का पेस्ट। आप थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद करते हो तो कम डालिए। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुटानों का पाउडर। थ्री टीस्पून मैंने भुटानों का पाउडर डाला है इसमें और एकदम फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया और पुदीना मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स होने के बाद हम ऐसा बॉइल्ड एग इसमें डाल देंगे और पूरे तरीके से इसको कवर कर देंगे एग को खीमे से। एकदम अच्छे से इसको ऐसे कर लेंगे हम। इसी तरह हम सारे कोफ्तों के बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए सारे कोफ्तों के बॉल्स बन करके तैयार है। अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। मैंने पैन में डाला है ऑयल और इसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को। थोड़ी देर से इसको पलटाएं, तब का तब ना पलटाएं वरना ये टूटेंगे। ये देखिए इसी तरह इसका कलर आना चाहिए, एकदम लाइट गोल्डन कोफ्तों का। ये देखिए परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसका ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसमें डालेंगे तेल। अब हम उसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, ऑनियन पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट यानी टमाटर का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, हाफ कप दही मैंने इसमें लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बादाम और पुठानों का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका तेल देखिए इसे छूट रहा है साइडों से, इसी तरह हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते, हल्के हाथों से हम इसको पलटा लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, नींबू, लेमन जूस और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसको 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए नरगिजी कोफ्ते बन करके तैयार है। अब हम इस पर डालेंगे क्रीम, क्रीम ऑप्शनल है, इससे टेस्ट और अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें डाला है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट नरगिजी कोफ्ते बन करके तैयार है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।